नमस्कार, प्राइम टीवी के एक खास शो सियासी दंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और शो की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता से। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर से साथ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ताकत का एहसास मोदी और उनकी सरकार को कराने के लिए इस वक्त विपक्ष एकजुट हो चुका है। साम दाम दंड भेद हर पैतरे को आजमाकर विपक्ष केंद्र में बैठी मोदी सरकार की जड़ों को खोखला करना चाहता है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या विपक्ष एक साथ कांग्रेस के साथ आएगा? क्योंकि अगर कुछ दल कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो कुछ दल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से दूरी बनाने में ही अपनी बेहतरी समझते हैं। हाल ही में हुए सर्वे से ये पता चला है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। विपक्षी इस बात से खुश है कि अगर वास्तव में ऐसा है तो आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी नैया पार लग सकती है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संयुक्त विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए भले ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन गैर राजक दलों के बीच समन्वय एक बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि विपक्षी गठबंधन क्या सत्तारूढ़ भाजपा को एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में होगा। विपक्षी दल अपने ही फीडबैक से उत्साहित दिखाई दे रहा है। एक सर्वे द्वारा ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल दो चीज मोदी के खिलाफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के आम चुनाव में चैलेंज करने की कोशिशें अभी से तेज हो चली है, और ऐसे माहौल में मोदी की लोकप्रियता में कमी का सीधा फायदा विपक्षी दलों के नेताओं को सीधे सीधे मिलना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सर्वे में दर्ज की गई मोदी की लोकप्रियता में गिरावट और विपक्षी नेताओं की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी कोई खास संकेत दे रहा है? अगले चुनाव के हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मूड ऑफ द नेशन का सर्वे हर हिसाब से विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की कोशिशों पर एक तरीके के जनमत संग्रह जैसा ही है, और चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, लालू यादव हो, या फिर प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। सर्वे के आंकड़ों को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। सर्वे के नतीजों के हिसाब से ही अपनी रणनीतियों में फेरबदल भी करना चाहिए। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी दर्ज की गई है। ये भी मानना ही पड़ेगा कि विपक्षी नेताओं की लोकप्रियता में इजाफा भी दर्ज किया गया है। लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही क्यों लगता है। कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि उससे जो बन पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए वो करेगी। देखिए, सरकार को हटाने के लिए जो भी बन पड़ेगा कांग्रेस पार्टी से वो कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, ये सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि पूरे विपक्ष को एक करें और एक होके सब लोग लड़ाई लड़ें, तभी ये सरकार जाएगी। क्योंकि ये सरकार बहुत ही झूठी है और बहुत ही दांव देने वाली है। जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है। अब इसमें पूरे देश की संपदा को बेचने में लगी हुई है, इसलिए इस सरकार का जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर त्राहिमाम मच जाएगा। ये कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो प्रशांत कुमार है, जो आप कांग्रेस का अपना ही घर है वो मजबूत नहीं है, तो किस चुनौती कैसे देखते हैं? ऐसी चुनौतियां, ऐसी बातें पार्टी के अंदर होती रहती है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 150 साल पुरानी पार्टी है, और इस पार्टी को कोई इतनी जल्दी सोचे कि खराब हो रही हो वो संभव नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता इस मामले पर अलग ही राग अलापते नजर आ रहे हैं। स्थिति एकदम साफ है
कि भारतीय जनता पार्टी नंबर एक की पार्टी है और नंबर दो पर कौन राजनीतिक दल रहेगा इसके लिए राजनीतिक विपक्षी दलों में आपस में संघर्ष है। तो ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाला राजनीतिक दल है, हम 12 महीने 7 दिन 2400 घंटे काम करते हैं, जनता के सरोकारों से जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 80 लाख राशन की दुकानों पर जब जनता राशन लेके जा रही है तो उसके लिए ऐसे बैग की व्यवस्था जिसमें कि उनका अनाज भींगे नहीं, सुरक्षित रहे, इसको उपलब्ध कराया। उसके बाद वैक्सीनेशन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। 2 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए हैं जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करेंगे, तीसरी लहर से लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो शांति दूत बनकर योजनाओं को जनता के बीच में ले जा रहा है। हमारा युवा मोर्चा अभी ओलंपिक में चेतना जगाने का काम कर रहा था, चीयर्स अभियान कर रहा था। तो आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने एकता का दुर्लभ प्रदर्शन किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी का नए गठबंधन के प्रति बड़े भाई वाला रवैया नहीं है। उतना ही उल्लेखनीय बात यह है कि सोनिया या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री का पद किसी के भी पास जा सकता है। इस संदर्भ में ये भी पता चला है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर अपना दायरा क्यों बढ़ा रही हैं और असम और त्रिपुरा में अपनी पैठ क्यों बना रही हैं। तृणमूल को उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे अपनी सीटों की संख्या 50 से अधिक लेकर जाएंगी। विपक्ष के पास एक स्पष्ट रोड मैप है जिसकी परिकल्पना बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी, जिसे कई तत्वों का मिश्रण कहा जा सकता है। लोकसभा में जादुई संख्या 272 है, कांग्रेस इसका आधा यानी 136 सीटें जीतने की उम्मीद करती है। बाकी आधी सीटें गैर कांग्रेस और गैर राजक पार्टियों द्वारा जीते जाने की योजना है। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा तभी करेगी जब उसे 150 या फिर उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह भाजपा को हराना है। कांग्रेस 2024 में पीएम मोदी को एक और कार्यकाल नहीं देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। कांग्रेस किसी भी वैकल्पिक सरकार का हिस्सा होगी जिसमें भाजपा नहीं होगी, वह वित्त, गृह और विदेश मामलों जैसे मंत्रालयों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। इससे उसका उस गठबंधन के अंदर दबदबा भी कायम रहेगा। ये पूछना एक फैशनेबल और अभिजात दृष्टिकोण है कि मोदी नहीं तो फिर कौन। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो कौन। ये याद किया जाना चाहिए था कि उस वक्त चुनाव होने से पहले सभी चुनावी सर्वेक्षण में वाजपेयी को बढ़त दिखाई जा रही थी और हम सब उस चुनाव के नतीजे जानते हैं। तब वाजपेयी चुनाव हार गए थे, चुनाव से पहले मनमोहन सिंह कहीं तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहे थे और सोनिया को वाजपेयी के प्रतिद्वंदी के रूप में भी नहीं देखा गया था। अगर हम विपक्षी एका की बात करें तो ये अधिक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत कई दल के नेता कपिल सिब्बल के आवास पर आयोजित टी पार्टी में शामिल होते हैं। कांग्रेस के सामने कई और चुनौतियां हैं, उसे अपना घर व्यवस्थित करना होगा। जब तक प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे तब तक गैर राजक दलों के लिए बीजेपी एक चुनौती बनी रहेगी। क्या विपक्ष के दिन बहुरेंगे? क्या विपक्ष जिस मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है वो सच होंगे? चुनाव से पहले रस्साकशी पर हो रहा जोर है, सियासत का हर ओर शोर है।
चुनावी गलियों में हर दल के नेताओं के सुर की आवाज चहुं ओर है। बीजेपी का किला विपक्ष को चीन की दीवार जैसा ही दिखाई दे रहा है। इसको भेदना विपक्षी पार्टियों के लिए सात समुंदर को पार करने जैसा ही है। विपक्ष की चाहत क्या आगामी चुनावों में पूरी होगी, ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक क्षय और मात का खेल जारी रहेगा। और डेस्क प्राइम टीवी।